वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग जो है अभी मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गए हैं फोर्थ पे। अभी तक हम लोगों ने इसमें से थ्री प्राइसिंग के डिसीजंस जो हैं वो किए। तो बेटा थ्री जो हमारे प्राइसिंग के डिसीजन थे वो याद हैं आपको कि फर्स्ट कौन सा यस था? सर। सर नॉर्मल बिल्कुल ठीक, पहला नॉर्मल प्राइस था, दूसरा मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, और तीसरा हम लोगों ने कल किया था डिप्रेशन डिप्रेशन प्राइस, प्राइस। प्राइस। तो यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें आपको इजीली प्रॉफिट अर्न हो रहा था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जब हम मार्केट प्राइस की बात कर रहे थे तो इस जगह पर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर लेते थे, ये हम लोगों का टारगेट था। और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को कवर करते थे और फिक्स्ड कॉस्ट को कई अलग अलग पार्ट से कवर करके, मतलब लॉसेस के बीच में प्रॉफिट को कैलकुलेट करते थे। आज अभी इसकी बात करने जा रहे हैं, ये है स्पेशल प्राइस। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था उन सब में मार्जिनल कॉस्ट की पोजीशन देखी नहीं थी, हमेशा ये मार्जिनल कॉस्ट हमारा रिकवर हो रहा था। यहाँ मार्जिनल कॉस्ट रिकवर हो रहा था और यहाँ पर तो सभी कुछ रिकवर हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे समस्या ये आती है कि क्या हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कवर अप हो रहा है या हमारा वेरिएबल कॉस्ट कवर अप नहीं हो रहा है। तो जब वेरिएबल कॉस्ट कवर अप होगा तो ये कंडीशन हमारी बनती है प्राइस इज ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट। ये वो कंडीशन है कि जब वेरिएबल कॉस्ट हमारा कवर अप हो रहा है तो हम इनमें से किसी भी कंडीशन में होंगे तो हम लोग प्राइस डिसाइड कर लेंगे। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे भी काम करना है तब हम लोग कम से कम मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप रखेंगे। इतना आप लोग को समझ में आता है? तो अब जैसे मैंने डिस्काउंट यस वर्ड बोला उसी तरीके से यहाँ पर ये जो स्पेशल वर्ड है ये स्पेशल कंडीशन में है, क्योंकि हम हर एक बंदे को तो स्पेशल डिस्काउंट देंगे नहीं। तो अब इंडिविजुअल बात नहीं, मार्केट की ऑफर हो रहा है। तो जब मार्केट का ऑफर हो रहा है तो किसी जगह हम कोई स्पेशल ऑफर है उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, एक बात। या हो सकता है कोई स्पेशल ऐसा ऑर्डर हो जिसको हम लोगों को कवर अप करना है, या फिर हम किसी मार्केट में जा करके नया प्रोडक्ट अपना है उसको, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट में न्यू प्रोडक्ट भी हो सकता है और ओल्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है। बेसिकली जिस प्रोडक्ट पे हम लोग वर्क कर रहे हैं न्यू मार्केट के लिए उसको कंसीडर किया जाता है। और अगर हम न्यू मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट में सिचुएशन देखी जाती है कि हमारे यहाँ पर जिस मार्केट में हम एंट्री कर रहे हैं उस मार्केट की प्रिवेलिंग प्राइस क्या है। अब जिस मार्केट में प्राइस मान लो चल रही है 10 रुपीज़, ये प्रिवेलिंग प्राइस मार्केट 10 रुपए चल रहा है, और अगर हम मार्केट में नए जा रहे हैं तो हमें इससे अपने आप को लेस ही रखना पड़ेगा ताकि कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर सके। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तब तो बहुत ही दिक्कत है, मगर हम लेस कर सकें तो लेस करते समय हम अपने प्राइस को कितना लेस कर सकें। तो जब बेटा प्राइस को लेस करने की बात होगी तो अपना डिसीजन हम तभी लेंगे जो ये आपको यहाँ नीचे दिख रहा है, दिस वन। सिंपल सा कि जब प्राइस जो है वो हमारा मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हुआ कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट है उससे ज़्यादा हो। तो आज का जो कंटेंट है वो इस जगह के ऊपर पॉजिटिव रहता है कि प्राइस जो है पहली नज़र में देखते ही मार्जिनल कॉस्ट से अगर हम एक्सीड करते हैं तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो सर क्या इसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे? तो क्या सर हम इसमें कंट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट लेते थे? नहीं बेटा, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात होगी मगर कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया गया है। वजह क्या है कि देखिए अगर प्राइस जो है वो हमारे 10 रुपए हैं और मार्जिनल कॉस्ट हमारी 8 रुपीज़ है, तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमें क्या मालूम था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो ऐसी कंडीशन में सेल अगर 10 रुपए कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट अगर 8 रुपीज़ है, तो कंट्रीब्यूशन हमारा 2 रुपए आएगा ही। तो कंट्रीब्यूशन को हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है
वो हमारा जीरो बस ना हो। जीरो होगा तब भी एक टाइम पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक टाइम पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, मगर हमेशा हम तब भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना ही चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन दो तरीके से वर्क करता है, एक तो ये जीरो वाली बात हो गई, और जब कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव का मतलब सर कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन होगी कि प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से कम हो। तो जैसे ही कंट्रीब्यूशन हमारा नेगेटिव हो रहा है तो उस जगह को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेस्ड तो कंट्रीब्यूशन ही है, मगर यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि प्राइस से जो है वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए सॉरी। तो प्राइस हमारे पास है तो वहां पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, और कंट्रीब्यूशन मार्जिनल कॉस्ट कम होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये कंडीशन दे रखी है कि मार्जिनल कॉस्ट हमारी 8 रुपीज हुई, तो इस जगह देखो कंट्रीब्यूशन 2 रुपए निकल करके आ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन जब तक हमको मिलता रहेगा तब तक तो ठीक है, और जैसे ही कंट्रीब्यूशन जीरो पर आता है तो बेटा ये जब जीरो वाली कंडीशन है तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जीरो कंट्रीब्यूशन जीरो। तो फिर ये आपके ऊपर है कि आप वेलफेयर करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं, जीरो पे इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर यही सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं, जिसको मैं बता देता हूँ। समटाइम्स मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न में फेस ए प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग अ स्पेशल ऑर्डर एट ए प्राइस विच इज बिलो द एग्जिस्टिंग कॉस्ट। जब बिलो द एग्जिस्टिंग कॉस्ट है तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट का मतलब है यहाँ पर टोटल कॉस्ट, मतलब इसके अंदर में फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है और इसके अंदर में वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है। सिमिलरली देयर में बी ए पॉसिबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग अ न्यू मार्केट ऑफ अट्रैक्ट और अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर। तो ये सब मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है, बट इफ देयर इज अ सफिशियंट अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, तो फिर से एक ही बात आती है। अभी तक हम लोग जो कॉमन चल आ रहे थे कि अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी हमारे पास होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्शन अगर 100% का तो है तो हम 100% प्रोडक्शन 100% का है तब ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी लेस देन 100% तो मतलब हम 60% पे काम कर रहे हैं तो 40% हमारे पास स्कोप बचता है। हम अगर 70% पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो 30% का हमारे पास एक्सटेंशन बचता है। 90% पे भी कर रहे हैं तो 10% हमारे पास ऑप्शन बचता है इंक्रीज करने के लिए। तो जो स्पेशल ऑफर है इसको हम लोग इसी एक्सटेंशन से ही कवर अप करेंगे क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं ले रहे हैं। तो डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द मार्जिनल कॉस्ट रेदर देन टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट पे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर देखेंगे तो आपको और बेहतर इसमें समझ में आएगा, क्योंकि थ्योरी ज्यादा हो जाती है तो फिर बच्चों को दिक्कत होती है। अब क्वेश्चन हमारे पास जो है जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 22 आप देख रहे हैं, राजहंस लिमिटेड मेक अ सिंगल प्रोडक्ट एंड सेल फॉर ₹30 per unit। तो ये इनकी सेलिंग प्राइस निकल करके आ गई। एंड देयर इज अ ग्रेट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹16। डिटेल दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट की, ये ₹16 वेरिएबल कॉस्ट है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि 30 में भी हम सेल कर रहे हैं और ₹16 दे रखा है, साफ साफ दिख रहा है, तो कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव आ ही रहा है। अच्छा, चेंजेस क्या होते हैं, द लेबर फोर्स इज करंटली वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। अब देखो एक समस्या हो गई कि जो लेबर है वो हमारी फुल कैपेसिटी में वर्क कर रही है, एक समस्या ये आ गई। मशीन तो नहीं है मगर लेबर फुल कैपेसिटी में आ गई। एंड नो एक्स्ट्रा टाइम कैन बी मेड अवेलेबल। मिस्टर बी बी लाल, ए कस्टमर हैज अप्रोच टू द कंपनी विद अ रिक्वेस्ट फॉर मैन्युफैक्चर ए स्पेशल ऑर्डर और फीस 8,000। मैंने बोला ना किसी खास के लिए डिस्काउंट कर देना या कोई स्पेशल फेवर किसी का करना। अब हमारे पास मजबूरी थी, लेबर हमारे पूरे काम कर रहे हैं, अब हम कैसे काम करें, मगर 8,000 यूनिट स्पेशल ऑफर में आ गया। तो अगर हम इस स्पेशल ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि जो लेबर हमारे पास काम कर रहा था वो अगर फुल कैपेसिटी में है तो हमको एक्स्ट्रा लेबर का यूज करना पड़ेगा, एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब देखो आगे क्या कहते हैं, सर कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी, अगर लेबर फुल डे काम कर चुका है और उससे आप ओवर टाइम कराते हैं तो नॉर्मल रेट से ज्यादा ओवर टाइम में पेमेंट देनी होती है। द कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर वुड बी 3,000 फॉर द डायरेक्ट मटीरियल एंड 600 hours लेबर विल बी रिक्वायर्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर शैल बी 2 रूपीज। Should the order be accepted?
अब देखो एक बात इसमें ये है कि अब हम जो ऑर्डर को ले रहे हैं उसमें क्वेश्चन में यहाँ पर लेबर आर जो है वो बढ़ा करके नहीं दिए गए हैं, उनका रेट भी जो है वो गिवन नहीं है। तो अब देखते हैं कि कैसे वैल्यूज निकल करके आती हैं इसके लिए। आफ्टर देन, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं मार्जिनल, तो कंट्रीब्यूशन का रोल होता है, तो सबसे पहले डिसीजन पे पहुंचने के तो एक हमें डायरेक्शन लेना होता है कि क्या ये सही रहेगा, तो सही हमें कंट्रीब्यूशन से मिलता है। तो करंट में तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव ही आ रहा है 14 रुपये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। और अब हम देखते हैं कि लेबर जो है, हमने आपको बताया था की फैक्टर, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा लेबर हमारे लिए की फैक्टर, क्योंकि वही फुल कैपेसिटी में है। तो जब हम लेबर की अगर बात करते हैं तो लेबर के लिए जो रेट पे टर्म है वो 4 रुपए है और 2 घंटे ही लेबर काम कर पाती है। अगर आप क्वेश्चन में ओवर टाइम का टर्म दिया हो तो हम उस रेट से निकाल लें, तो क्वेश्चन में ओवर टाइम का टर्म तो अभी दिया नहीं है बेटा, तो जब ओवर टाइम होता तो भी आसान था, तो यहाँ पर 2 घंटे वो काम करती है। अब जो बेटा 2 घंटे काम कर रही है, तो अब अगर हम उससे ये करंट प्रोजेक्ट छुड़वाएं और दूसरे प्रोजेक्ट पे अगर हम काम करवाएं रोक करके, तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना हमें बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसके लिए जरूरी ये है कि डायरेक्ट जो लेबर है जब वो की फैक्टर है तो हम इसका कॉन्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट देखें क्या होता है। तो कंट्रीब्यूशन के टाइम पर अगर हम इफेक्ट देते हैं तो पर लेबर जो कंट्रीब्यूशन है वो 7 रुपए आती है। सर कैसे? देखिए कंट्रीब्यूशन तो आपने निकाल लिया कि 14 रुपए हो गया, और ये सारा खेल 2 ही घंटे का है क्योंकि तो लेबर 2 ही घंटे काम कर रही है, तो 14 रुपए जो कंट्रीब्यूशन हमको टोटल मिल रहा है वो 2 घंटे में मिल रहा है। तो इसका मतलब पर आर कॉन्ट्रीब्यूशन में लेबर का शेयर कितना है? वो 7 रुपीज। तो मैं ये मान लूँ कि 7 रुपए तक हर बच्चा पहुंच गया। यस और सर आप, अच्छा ये मुझे कोई बताए कि मैंने लेबर पे ही क्यों कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करके क्या मटेरियल पे क्यों नहीं किया? सर की फैक्टर है ना सर। बिल्कुल ठीक आंसर है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि ये हमारे लिए की फैक्टर है। अच्छा अब हमें प्राइस जब डिसाइड करनी है, तो देखिए इस कंडीशन में जो हमें ऑर्डर मिल रहा था वो सेल्स कितने की थी? वो 8,000 की हमें ऑर्डर है। चलिए ये 8,000 का ऑर्डर आपको इजिली समझ में आ गया। अब आते हैं डायरेक्ट मटेरियल, तो मटेरियल का रेट 3,000 रुपये। कैसे सर मटेरियल का रेट 3,000 रुपये? देखो बेटा क्वेश्चन में क्वेश्चन थोड़ा ऊपर हो गया, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि मटेरियल का रेट 3,000 रुपये है। ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल का रेट ही दे रखा है 3,000 रुपये। ओके उसके सर बाद में क्वेश्चन में आर्स दे रखे हैं लेबर के लिए, और वेरिएबल ओवरहेड्स पर आर 2 रुपए क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ वेरिएबल ओवरहेड जो है वो बेसिक में हमारे पास 4 रुपए थे, इसलिए दिखाना जरूरी था कि बच्चे भूल नहीं जाएं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉस्ट के ऊपर, तो डायरेक्ट मटेरियल वो 3,000 क्वेश्चन में गिवन है, डायरेक्ट लेबर 2 रुपए के हिसाब से होता है तो ये हमारा 1,200 रुपए लग जाएगा, वेरिएबल भी 2 रुपए के हिसाब से तो 1,200। इसका मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट 5,400 हो गई। सिंपल सिंपल चल रहा है, बिल्कुल सिंपल बनाते हैं पहले कि पोजीशन क्या है, तब हम देखें कि हमारे पास क्या कंडीशन है। अब हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं, कंट्रीब्यूशन जो है वो 2,600 आ जाएगा। तो मैं ये मान लूँ कि 2,600 तक हर बच्चा पहुँच जाएगा। यस सर। ओके अब अभी देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। की फैक्टर हमने निकाल लिया था लेबर, और उससे की फैक्टर का कंट्रीब्यूशन हमने 7 रुपीज पर आर निकाल लिया था। इसका मतलब है कि अगर हम लेबर इसमें लगाते हैं तो हमें 7 रुपए की जो कंट्रीब्यूशन है उसको छोड़ना पड़ेगा उस लेबर से, मतलब एक प्रोडक्ट छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट हमको बनवाना पड़ेगा। इतना समझ में आता है? यस सर। और उस लेबर से हमको फायदा कितने का हो रहा था पर आर? हमको 7 रुपए का, 7 रुपए का कंट्रीब्यूशन हमको मिल रहा था। तो अब ये लेबर छह, ये 7 रुपए कोई बेस लेकर के चलते हैं, ये लेबर अब यहाँ 600 आवर्स काम करेगा।
तो अगर ये हमें 600 काम कर रहा है, 600 आर्स, तो यही 600 आर्स अगर हम अपने, यही 600 आर्स अगर हम अपने जो बेसिक मटेरियल है उसी को बनाने में नहीं लगाते हैं, तो 600 आर्स के बराबर का हमको नुकसान होगा। तो अब हमने सैक्रिफाइस कितने का किया, ये देखो जो बेसिक का था हमने सैक्रिफाइस कर रहे हैं 4200 का, ये 4200 समझ में आ रहा है सबको? यस सर, 600 × 7। क्योंकि अगर हम अपना बेसिक मटेरियल बना रहे होते, बेसिक प्रोडक्ट अगर हम लोग अपना बना रहे होते, तो उससे हमें जो कंट्रीब्यूशन मिलता वो मिलता 4200 का। ये हमको अब रोकना पड़ेगा काम, उस लेबर से ये काम रुकवाएंगे तब तो ही हम ये करंट वाला कर पाएंगे स्पेशल ऑफर। यस सर। तो अब ये 4200 का रोकना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, हम रुकवा देते हैं। मगर अकाउंटेंट कहेगा ठीक है सर, हमने आपकी बात मानी, हमने रुकवा दिया, हमने इतने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए कलेजे पत्थर रख लिया, चलिए हम इतना नहीं कमाएंगे। मगर जरा हमको ये बता दे कि जिस पे हम ये लेबर लगाने जा रहे हैं उससे हमें कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो उससे हमें जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो 2600 का मिल रहा है। तो अब यहाँ क्लियर कट देखो कि ये 2000 हम कमाने जा रहे हैं और 4200 छोड़ करके जा रहे हैं, तो आप क्या ये वाला कमाने के लिए जाएंगे? नो सर, नहीं जाएंगे। बस इतनी ही चीज आपको अपने आंसर में लिखनी होती है प्रूफ करने के बाद में। ये देखिए डिसीजन, डिसीजन के ऊपर आ गए, ये है डिसीजन, स्पेशल ऑर्डर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज द कंट्रीब्यूशन टू बी सैक्रिफाइज ऑन 600 आवर्स इज मोर देन कंट्रीब्यूशन गेन। क्योंकि जितने के लिए हम दिल पे पत्थर रख रहे हैं, जितने के लिए हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में गेन हमको कम मिल रहा है, एक अकाउंटेंट ऐसे बता देगा। बताइए कोई दिक्कत आगे? नहीं सर, दिक्कत नहीं है। एनी अदर स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके वेरी गुड। अब थोड़ी सी इसके ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तो आपने बेसिक चीजें सीख ली कि हमने की फैक्टर अगर दे रखा है, इसी के लिए बेसिक में मैं फिर से ये इलस्ट्रेशन कवर अप कराता हूँ। इसके बाद अगले राउंड से हम लोग थोड़ा सा टॉपिक करने के बाद फिर इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, ताकि बेसिक थ्योरी समझ में आ गई, प्रैक्टिकल भी समझ में आ जाए। स्टार्ट करूँ, इजाजत हो आपकी तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ए फर्म हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 15,000 यूनिट्स पर ईयर एंड प्रोड्यूस 10,000। तो देखो ये बेसिक शर्त तो हमारी पूरी कर रहा है। कैपेसिटी तो 15,000 की थी और हम करंट में जो वर्क कर रहे हैं वो 10,000 पे कर रहे हैं। इसका मतलब एक्सपेंशन हमारे पास बचता है, हम कितने का एक्सपेंशन कर सकते हैं? 5,000 का, बिल्कुल ठीक। तो ये बेसिक शर्त तो यहाँ पर ही पूरी कर रहा है। विच आर कंज्यूम्ड इन द होम मार्केट एट ₹25। ये 25 इसका सेलिंग प्राइस है कि जितने पे ये मार्केट में कंज्यूम कर लिया गया। द कॉस्ट शीट, स्टार्टिंग कॉस्ट शीट पढ़ाई दिया था, ये जिन्होंने नहीं पढ़ा तो भी लगातार देख रहे हैं, जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो कॉस्ट शीट के ऊपर ही तो बेस्ड है। हमारे पास जो कॉस्ट शीट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड, वेरिएबल, ऑफिस, सेलिंग, फिक्स्ड, वेरिएबल और टोटल कॉस्ट ₹20 दे दी गई। तो अगर ₹20 टोटल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस 25 है, तो ये कंडीशन तो हमें कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। साफ साफ दिख रहा है कि ₹5 तो इसमें प्रॉफिट पे जा ही रहे हैं, ये हमारे लिए दिक्कत नहीं है। मगर अभी जो आगे पोर्शन दिया होगा डिसीजन के लिए, वहां पर हमें ध्यान देना चाहिए। और जब हम ध्यान दें तो बेटा ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है इस पोर्शन को अलग कर देता है, फिक्स्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस को कर देगा, फिक्स्ड सेलिंग को कर देगा, और वो सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को ही कंसीडर करेगा। इसका मतलब इन्होंने जो कॉस्ट शीट हमें बना करके दी वो गलत नहीं है, इज अ राइट, मगर मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग डिसीजन के लिए ये सफिशियंट नहीं है। ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? यस सर। क्यों सफिशियंट नहीं है ये बताइए? क्योंकि सर जैसे हम खुद कर रहे हैं तो सर फिक्स कॉस्ट तो टाल सकते हैं, लेकिन सर ये किसी और के लिए कर रहे हैं तो मतलब उसका भी देखना पड़ता है ना, फिक्स कॉस्ट रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। एक बार फिक्स कॉस्ट पहले ही कवर हो चुकी है सर, हम बार बार फिक्स कॉस्ट नहीं लगाएंगे। ये करेक्ट आंसर है कि जो हम यहाँ पे जिस समय बेटा ये 10,000 यूनिट बना रहे थे तो फिक्स कॉस्ट तो इसी ही कंडीशन में हम कवर अप कर ले गए। ओके। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम बचती है वो मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट की बचती है।
कि ये बस रिकवर होना चाहिए। अगर ये रिकवर हो रहा है अगले 5,000 यूनिट जो हमारे पास चांस हैं तो ठीक रहेगा। तो इसके वजह से हमको ये शीट ड्राफ्ट फिर से करनी पड़ेगी अपना मार्जिनल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन देखने के लिए, और साथ में देखना पड़ेगा कि अभी तुम्हारे पास ऑफर कितने का आ रहा है। तो जो हमारे पास अगला ऑफर है वो यहाँ से लिखा है, ए फॉरेन कस्टमर इज इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट बट ही इज विलिंग टू बाय ओनली 5,000 यूनिट्स एंड दैट द प्राइस ऑफ 18 रुपए। तो अब ये हमारे पास 5,000 यूनिट्स खरीदना चाहते हैं, तो देखिए हमारे पास जो कैपेसिटी थी वो तो 15,000 की थी और हम लोग जो वर्क कर रहे थे वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करके कर रहे थे। तो हमारे पास क्या चांस है? हाँ है। कितने यूनिट का चांस है? 5,000 का ही है और ये 5,000 ही हमसे मांग भी रहा है, तो इसका मतलब चांस है, हम इसको एक बार कंसीडर कर सकते हैं। ओके, मगर हम जब कंसीडर करेंगे तो कंसीडर करते समय अब हमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कंसीडर करनी है। ये एक बच्ची ने आंसर दिया था क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हम पहले कंसीडर कर चुके हैं। उस स्टूडेंट का क्या नाम है? शीतल सर। क्या नाम बेटा? शीतल। शीतल, बढ़िया आंसर दिया शीतल आपने, वेरी गुड। अगर कभी आपको कहीं पर किसी टॉपिक पे डांट पड़ रही हो तो बताइएगा, सर एक दिन आपने वेरी गुड कहा था, हमको नंबर ज्यादा दीजिए। ठीक है शीतल? यस सर। अच्छा, अब कॉस्ट अकाउंटेंट क्या काम करेगा? वो रीड्राफ्ट करेगा। क्या रीड्राफ्ट करेगा? इसी शीट को रीड्राफ्ट करेगा। तो ये होम तो आप समझ गए कि 10,000 है, इसमें हमें ज्यादा झंझट नहीं है, ये निकल के सही आएगा जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें तो दिक्कत हमारे पास नहीं है। बस हमने बाइफरकेट कर दिया कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग इस स्टेटमेंट को बनाया। मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग हम वेटेज किसको देते हैं? कंट्रीब्यूशन को। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया, तो मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ तक वाले पोर्शन में किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत होगी। नो सर। ओके, अब बात आती है कि जो हम 5,000 को प्रिपेयर करके चल रहे हैं उसकी बात करें। तो जब हम 5,000 को प्रिपेयर करके चल रहे हैं तो देखो साफ साफ पॉजिटिव आ रहा है कंट्रीब्यूशन। यस। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो कंट्रीब्यूशन है जब वो जीरो पर आ जाए तब हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि हम करें या सोसाइटी में वेलफेयर या चैरिटी के लिए काम कर दें। और अगर कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आ जाए तब तो बेटा बंद ही कर देना उचित रहता है। ये याद आई बात? और कंट्रीब्यूशन नेगेटिव कब आता है? जब प्राइस इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट होता है। मार्जिनल कॉस्ट। जब प्राइस इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट होगा तो कंट्रीब्यूशन नेगेटिव आता है। यही बस हमें यहाँ पर हमें नो कहना होता है। ठीक। अब इस जगह पर कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं कि 7,500 आ रहा है। तो जब 7,500 आ रहा है तो हम अगर इसको इसको कंपेयर करें तो ये देखो इससे ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो बात ही खत्म। हमें दिक्कत कहाँ पे थी कि कंट्रीब्यूशन जीरो बस ना हो या नेगेटिव ना हो। जीरो हो तो डिसीजन लेने में दिक्कत है कि कोई फायदा नहीं हो रहा, सोसाइटी के भले के लिए हम काम कर दें, ऐसे कुछ विचार आ सकते हैं। मगर बिजनेस करने के लिए अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन का पॉजिटिव होना जरूरी होता है। ओके ठीक। देन तो 7,500 आया, पॉजिटिव आया, हमने डायरेक्ट आंसर यस ले लिया। अब देखो एडवाइस देखो क्या देते हैं। एज ए प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग ऑन एक्सेप्टिंग ऑर्डर सो द फर्म खुद एक्सेप्ट। तो फर्म शुड एक्सेप्ट, देखो सीधे सीधे आ गया, ये तो आप डायरेक्टली पहुंच गए कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। मगर आपको शीट तो बना करके देनी पड़ेगी। तो ये शीट में ये तो बेसिक हो गया, ये फॉरेन 5,000 का हो गया, ये टोटल हो गया। शीतल ने देखो यही वाला पॉइंट पकड़ा था, शीतल ने ये वाला। यस सर। यस सर। कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हम लोग इसी तरफ कवर अप कर लेंगे, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट की बात नहीं आएगी। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए जिनसे कि आप चीजों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करेंगे तो मार्जिनल कॉस्टिंग में इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा जो होती है, जब मार्जिनल कॉस्टिंग की बात हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो होती है वो बेटा कंट्रीब्यूशन की होती है।
किसी भी कंडीशन में अगर आप बात करें तो कंट्रीब्यूशन को ही कंपेयर कर लिया जाता है। इतना तो अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यस सर। एक बार फिर से बहुत तेजी से जल्दी से हम बात करते हैं। बहुत तेजी से जल्दी से बात करने का मतलब देखिए, जिस समय कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा ग्रेटर देन है फिक्स्ड कॉस्ट, तो देखो ये कंडीशन फिर कंट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। बस यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वो कंपेयर किससे किया जा रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट से किया जा रहा है। और ये कंडीशन हमारी हर लेवल पे है, मतलब लेवल वन पे भी यही कंडीशन है, लेवल टू पे भी हमारी ये कंडीशन है, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा है। अगर ऐसी कंडीशन निकल के आती है तो हम लोग कौन सी प्राइसिंग यूज करते हैं सर, सेकंड वाली में? मेरा ये कहना है कि कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा है दोनों ही कंडीशन में, मतलब फर्स्ट लेवल में था ही और सेकंड लेवल में पहुंचे तो भी कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा है, तो कौन सी प्राइसिंग हम लोग यहाँ यूज करेंगे? मिनिमम नॉर्मल सर, फर्स्ट वाली में नॉर्मल है लेकिन सेकंड में वही रहेगा तो उसमें मिनिमम बोला तो कि पहले और दूसरे दोनों में ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अच्छा हाँ, तब नॉर्मल सर, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। फिर इसी के बाद में अगली सिचुएशन में आते हैं, जब धीरे धीरे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो फिर से कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट को हम देख रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट को जब देखें तो फिर इसके लिए हमारे पास दो लेवल निकल करके आते हैं। फिर जब हम इस दो लेवल के ऊपर आते हैं तो यहाँ फर्स्ट लेवल पे तो कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा है, ये फर्स्ट लेवल में ज्यादा है, मगर सेकंड लेवल पे कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो पा रहा है। यस सर। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी प्राइस लेते हैं? मिनिमम। बिल्कुल ठीक, यहाँ पर हम लोग मिनिमम प्राइस ले लेते हैं। फिर अब हम लोग निकल करके आ रहे हैं कि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन तो है और वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट से कम है। गलत कर दिया इसको, इसको काट देते हैं। ये नहीं, ऐसी कंडीशन नहीं, ये कंडीशन ये है कि कंट्रीब्यूशन को हम कंपेयर अभी फिक्स्ड कॉस्ट से ही कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम है, कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट से तो कम है, बट फिक्स्ड कॉस्ट से तो कम है बट कंट्रीब्यूशन इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है मगर फिक्स्ड कॉस्ट से कम है, तो इसमें पहली नजर में तो लॉस होगा, लॉस यस सर, मगर आपने देखा कि ऐसी हालत में अगर हम दो तीन लेवल पे जाके काम करें तो फिक्स्ड कॉस्ट धीरे धीरे हमारी रिकवर हो जाती है कि नहीं हो जाती है? यस सर। इसी के लिए हम लोगों ने पढ़ा था डिप्रेशन। ओके यस सर। नहीं याद आया? याद आया, इसीलिए एक एक कंडीशन बता रहा हूँ। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, स्पेशल प्राइस के लिए। ये स्पेशल प्राइस जो है इसकी इंक बदल देता हूँ। क्यों बदल देते हैं सर इसकी इंक? इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब हम कंट्रीब्यूशन को जो है मार्जिनल कॉस्ट के साथ में देखते हैं, ठीक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब प्राइस हमारा मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हो, या हम ये कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन हमारा जीरो से ज्यादा हो, या हम ये कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन हमारा पॉजिटिव हो, मगर ये सारी कंडीशन किसके ऊपर बेस्ड है? मार्जिनल कॉस्ट की। इसमें देखो, इसमें मार्जिनल कॉस्ट नहीं लिया गया, वन वाले में फिक्स्ड कॉस्ट लिया गया जिसमें नॉर्मल प्राइस था, इसमें भी फिक्स्ड कॉस्ट से ही कंपेयर किया गया, ये तो माना गया कि मार्जिनल से ज्यादा है, इसमें भी फिक्स्ड कॉस्ट से ही कंपेयर किया गया, मगर यहाँ तक आते आते जो कंट्रीब्यूशन है ये वही कंडीशन है कि कंट्रीब्यूशन हमारा फिक्स्ड कॉस्ट से कम है, तो आप कह सकते हैं कि सर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से यहाँ भी कम है, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से यहाँ भी कम है, इन दोनों में हमारे पास कंट्रीब्यूशन तो कम है, तो सर यहाँ पर हम स्पेशल ऑफर मार्जिनल का जो देख रहे हैं वो, तो इन दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, मगर डिप्रेशन में हम फिक्स्ड कॉस्ट को आगे आगे जा करके कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ही कवर अप यहाँ पर नहीं हो रही थी,
और इस जगह पर बेसिक में फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो रही है। दोनों का डिफरेंस समझिएगा, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर समझिएगा, दोनों का डिफरेंस जब हम डिप्रेशन प्राइस की बात करते हैं और हम स्पेशल प्राइस की बात करते हैं, तो जब डिप्रेशन प्राइस है तो इसमें शुरू से ही लेकर के मतलब हर एक लेवल पे, ये हर एक लेवल तीन चार अगर हमने आपको कल भी लेवल बताए थे, इसमें शुरू से लेकर के हर एक लेवल पे हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट से कम है, मतलब इंक्लूडिंग फर्स्ट लेवल आल्सो, क्लियर। अगर जो हमने आज पढ़ा है स्पेशल ऑफर, इसके अगर हम लोग कई लेवल कर लें तो इसमें अगर हम इसके भी कई लेवल कर लें तो इसमें जो फर्स्ट लेवल है यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो फिक्स कॉस्ट से ज्यादा है। यस सर। और इसके आगे जब डिसीजन लेना है, जब इसके आगे डिसीजन लेना है तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट से डिसीजन लेंगे। अब डिफरेंस समझ में आया? यस सर। प्रॉफिट तो भूल ही जाओ, बस कवरेज हमको देखनी क्या है, स्पेशल प्राइस है। किसी के मन में कोई डाउट? नो सर। मैंने बहुत कोशिश करके आपको पूरी चीजें इसमें बताने की पूरा कोशिश किया है कि हर चीज समझ में आ जाए। अब आगे एक और में आते हैं। सिग्मा लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ए प्रोडक्ट विच कॉस्ट एज अंडर फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर मंथ 1000। यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर मंथ दे रखे हैं, हमें इनको बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमको फिक्स्ड कॉस्ट टोटल चाहिए होती तभी हम बता सकते हैं, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेल्स एट प्रेजेंट लेवल 10,000 यूनिट्स एज पर द सेलिंग प्राइस 30,000। ये प्रेजेंट का दे रखा है तो इसका मतलब हो गया कि 30 रुपए में अगर है तो ये हमारे पास 3 लाख हो गए, 3 लाख की हम लोग सेल कर रहे हैं। इतना सबको समझ में आता होगा। यस। अब प्रपोजल है इस टू एक्सटेंड द सेल इन द फॉरेन मार्केट हैज कम वेयर डिमांड फॉर एडिशनल 5,000 यूनिट्स पर मंथ इज एक्सपेक्टेड। 5,000 की जो है यूनिट्स हमारे पास के लिए ऑफर है फॉरेन के लिए। हाउएवर इन ऑर्डर टू डू दिस इट विल बी नेसेसरी टू अब्सॉर्ब एडिशनल शिपिंग चार्जेस एंड ड्यूटीज 12 रुपए 12 पैसे पर यूनिट। ये हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। विल बी प्रॉफिटेबल टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि आपका ऑपरेशन कितना चल रहा है और कितने पोर्शन आपका एक्सटेंशन बचा हुआ है। जैसे 50,000 की कैपेसिटी थी और आप 30,000 यूनिट्स बना रहे थे तो चीजें समझ में आती हैं, मतलब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर एग्जम्पशन आपको लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एट प्रेजेंट आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो। अगर क्वेश्चन ये दिया होता है कैपेसिटी जो है वो 25,000 की है, अगर कैपेसिटी 25,000 की है तब तो कोई दिक्कत नहीं कि हमारे पास चांस है कि हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास चांस के बारे में नहीं दिया तो हम एग्जम्पशन कर सकते हैं कि चांस है। दूसरा ये अगर हम एग्जम्पशन नहीं करते हैं तो उस हालत में हमें यही 10,000 यूनिट्स पे ही कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। Yes. तो जब इस पे कंप्रोमाइज करेंगे तो फिर की फैक्टर लगेगा और फिर कंपैरिजन होगा। तो इतना टिपिकल नहीं करते हम, ये मान लेते हैं कि हमारे पास अभी चांस दे रखा है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। आगे आते हैं बी। ए डोमेस्टिक चेन स्टोर हैज ऑफर्ड टू टेक 5,000 यूनिट्स और मार्केट में ही हमें ये 18 पैसे पर यूनिट पर मिल रहा है। अच्छा बेटा हमने यहाँ रुपीज जो है मल्टीप्लाई करे गलत कर दिया, 30 रुपीज से कर दिया, 30 पैसा है। तो जो 3 लाख हमारे पास निकल करके आया था ये रुपीज में नहीं था, ये पैसे के लिए था, तो उसके लिए हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट है, 30 पैसे होने की वजह से 3,000 रुपए निकल करके आएगा। ये तो पैसा लिखा हुआ था 3,000 रुपए। आगे आते हैं फटाफट, टाइम थोड़ा सा कम है तो उसी भी मैनेज करा देते हैं कि कैसे हमें इसको करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रेजेंट के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट बनाना हमको आता है, हम फॉरेन वाले 5,000 को भी लेकर के कंपेयर कर लेंगे जिसकी जितनी जितनी कॉस्ट है। ये एडिशनल कॉस्ट शिपिंग की थी जो कि फॉरेन वाले में थी, यहाँ नहीं दे रखी थी। और जब हम एडिशनल लेंगे तो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो जाएगी, जो शीतल ने जैसे अभी क्लास में बताया था। तो इस कंडीशन में 400 रुपए का प्रॉफिट होता है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर रुक जाओ, अभी डोमेस्टिक से भी कंपेयर करना है।
कि डोमेस्टिक में हमें कितना का हो रहा है, यहाँ तो 400 रुपए का हमको प्रॉफिट हो जा रहा है अगर हम फॉरेन मार्केट में देखते हैं। अब अगर डोमेस्टिक का भी अगर हम रेट देखते हैं तो ये देखो, जब हम डोमेस्टिक चेन में जा रहे हैं तो डोमेस्टिक चेन में भी हमें 400 का ही प्रॉफिट हो रहा है, ये देखिए डोमेस्टिक में भी हमें 400 का ही प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? यस सर। अगर यही प्रॉफिट कम ज्यादा होता तो डिसीजन लेना हमारे लिए आसान था, मगर दोनों ही तरफ हमें 400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, सेम मिल रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें? तो एडवाइस सुनो, क्या एडवाइस दे दी गई, इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द कैलकुलेशन दैट इंक्रीज इन प्रॉफिट 400 इज द सेम। मैंने बोला दोनों में सेम हो रहा है, एज सच नो आउटराइट एडवाइस, नो आउटराइट, सीधे अब हम नहीं कह पा रहे, हम संकोच कर रहे हैं कि हम फॉरेन पे करें कि डोमेस्टिक में करें, क्योंकि पैसे तो हम लोगों को बराबर मिल रहे हैं, किसको हम सेलेक्ट करें ये बात हम दोनों प्रपोजल में नहीं भेज पा रहे। हाउएवर सेलिंग टू डोमेस्टिक चेन स्टोर एट अ लोअर प्राइस में एडवर्सली इफेक्ट द डोमेस्टिक प्राइस। यहाँ पर एक पॉइंट ये निकल करके आता है कि अगर हम डोमेस्टिक मार्केट को ले लेते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे इसको कम रेट पे सेल कर रहे हैं, हमारा रेट तो वैसे ज्यादा था ना, 30 पैसा था, अभी 30 पैसे में दिक्कत हुई थी, हम मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट 30 पैसे पे सेल कर रहे हैं, अब इसी डोमेस्टिक पे हम इसको कम पैसे पे सेल करने लग जाए, 18 पैसे पे सेल करने लग जाए तो मार्केट हमारी खराब नहीं होगी? होगी सर, भले ही हमको प्रॉफिट हो रहा है मगर मार्केट हमारी खराब हो सकती है। मोर एवर सच पॉसिबिलिटी इज नॉट सीन व्हेन फॉरेन ऑर्डर इज एक्सेप्टेड। और अगर हम ये फॉरेन की बात करते हैं, और सर फॉरेन पे भी तो कम रेट बता रहे हैं, फॉरेन पे अगर हम कम रेट बता रहे हैं तो ये हमारे करंट के कस्टमर हैं, करंट के कस्टमर को इसकी तो जानकारी हो जाएगी, मगर जो हम फॉरेन में कितने पे सेल कर रहे हैं उसकी नॉलेज इनको नहीं हो पाएगी। अब आप ही मान लीजिए कस्टमर है, आपको 30 में दें और दूसरी जगह जाके वही आइटम 18 पे दें तो आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इस हालत में बुद्धिमानी इसी में है कि फॉरेन ऑर्डर को रिकमेंड कर दिया जाए, फॉरेन ऑर्डर ले लीजिए। रीजन समझ गए व्हाई फॉरेन ऑर्डर? भले ही दोनों में 400-400 रुपए हमारे पास बराबर थे, दोनों ही एक जैसे दिख रहे हैं, मगर अगर अभी हम और गहराई में जाएं तो हम ये देख लेंगे कि हमें फॉरेन का ज्यादा फायदा है, क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक का लेते हैं तो करंट के जो कस्टमर है वो भी हमारे हाथ से छूट जाएंगे, नाराज होकर चले जाएंगे। तो एक इसको कॉपी पे, जितने मैंने आपको वीडियोस दिए हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं, इनको एक एक कॉपी पे भी सॉल्व करते